करनाल के आनंद विहार से एक डबल मर्डर हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां एक घर में भतीजे और मौसा का शव मिला है, जिससे सनसनी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने खुद मौके का मुआयना कर घटना का जायजा लिया। डबल मर्डर हत्याकांड से इलाके में दहशत फैली हुई है। हत्या को लेकर कई तरह की आशंका है। बताया जा रहा है कि आनंद विहार कॉलोनी में रहने वाले 50 वर्षीय जोगेंद्र के घर उसका 30 वर्षीय भांजा मोनू 2-3 दिन पहले देहरादून से आया था। रात को मौसा और भांजा एक ही कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। जोगेंद्र का बेटा दूसरे कमरे में सो रहा था। जोगेंद्र के बेटे संजय उर्फ सोनू की मां ने तो जब सुबह वह उठा तो उसके कमरे के बाहर कुंडी लगी हुई थी। उसने किसी तरह से लात मारकर अपने कमरे का दरवाजा तोड़कर खोला। इसके बाद उसने देखा कि पिता के कमरे के बाहर ताला लगा हुआ है। उसने प्लास से अपने पिता के कमरे का ताला तोड़ा तो अंदर का दृश्य देखकर वह भौचक्का रह गया। उसके पिता और उसके मौसेरे भाई का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। दोनों शव खून से लथपथ थे। इसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और फिर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। अभी यह पता नहीं चला कि इन दोनों की हत्या किसने और क्यों की है। सवाल यह है कि हत्या करने वाले ने कमरे के बाहर ताला क्यों लगाया। सवाल यह भी है कि इन तीनों के अलावा भी घर में कोई था। अगर कोई आया था तो वो कौन था। जांच के दायरे में जोगेंद्र का पुत्र संजय उर्फ सोनू भी है। इधर मोहल्ले वालों ने बताया कि इस मकान में बाप बेटे ने शराब का अहाता बना रखा था। हर रोज बाहर के लोग शराब पीने के लिए यहां पर आते थे। कुछ समय पहले जोगेंद्र की बेटी और पत्नी भी साथ रहती थी, लेकिन बीमारी के कारण दोनों की मौत हो गई थी। अब प्रश्न यह भी है कि क्या शराब पीने को लेकर किसी बाहर वाले से झगड़ा हुआ। अगर झगड़ा हुआ तो पास के कमरे में सो रहे सोनू को इस बात का पता क्यों नहीं चला। क्या वो इतनी गहरी नींद में था कि उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी कि झगड़ा हुआ और उस झगड़े में पिता और मौसेरे भाई की जान चली गई। प्रश्न यह भी है कि कहीं जोगेंद्र और मोनू के बीच कोई झगड़ा या विवाद तो नहीं हुआ था। फिलहाल पुलिस का अभी कहना यह है कि जांच की जा रही है। आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्या हो गया था जी? क्या मामला था? ये लड़ाई झगड़ा हुआ जी, मतलब कि माथा फूटा हुआ है और पीछे छोटे वाले भाई के भी लगे हुए हैं, चाकू चुकू का निशान है। तो आप कौन हो? मैं उनका लड़का हूँ जी। हैं? लड़का हूँ जी। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। जो जिनको अक्सर हुआ वो क्या नाम है उनका? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर पिताजी आपके? हाँ जी। और मेरा मौसी का लड़का। आपको कब पता लगा ये? सुबह 6 बजे जी। तो कब से पड़ी है यहाँ? हाँ जी। जो पड़े हैं डेड बॉडी कब से पड़ी है यहाँ? यही हो गए जी, पूरी रात बैठे हुए थे। आप यहीं थे? मैं तो यहीं था, परले वाले कमरे में सोया हुआ था। मेरा ताला लगा रखा था बाहर से, लॉक कर रखा था। आपको नहीं पता लगा कुछ भी? नहीं सर। रात को कोई अंदेशा नहीं हुआ? नहीं सर। लड़के का नाम सोनू है सर। सर ये व्यक्ति जो थे सर, रोज ही इनका दारू पीना अड्डा सर इन्होंने लगा लो, जो एक हत्या वाला अड्डा होता है सर वही बना रखा था। रोज अनजान व्यक्ति आते थे। इनकी पहले माता और इनकी बहन थी जिनकी किसी बीमारी कारण मौत हो गई थी सर। उनके बाद इन्होंने हत्या, दोनों की क्या एक साथ हुई थी? नहीं सर, बीमारी कारण सॉरी अलग अलग टाइम पे हत्या हो गई थी सर। उनके बाद इन्होंने बिल्कुल ही फ्री हो गए थे। इन्होंने हत्या बना रखा सर, सुबह शाम रात किसी टाइम भी वो करना सर। हमने इसके बारे में हमने इनको कहा भी कि हम रिपोर्ट कराएंगे, हमने इनको धमकी दी सर। अगले दिन ये माफ़ी मांग लेते, जब इन दारू से जाती तो माफ़ी मांग लेते। इस तरह सर इनको कंटिन्यू चलता रहा। कल पता नहीं अचानक क्या हो गया, जिस कारण सुबह ये सोनू हमारे पास आया कि देखो हमारे पास क्या हो गया। तो सर हमने इनको बताया कि ऐसा है, तो पुलिस का मामला, हम नहीं जा सकते। हमने सिर्फ गेट से देखा कि पड़े हुए थे, क्या इसके सोनू के भी कपड़ों में खून लगा हुआ था। तो फिर हमने कहा इसे पुलिस में बताना चाहिए सर। ये खुद गया पुलिस में और इनके जो फ्रेंड आए थे तो इन्होंने कॉल करा, फिर पुलिस आई सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रवि कुमार। तो चाहेंगे जांच तो होनी चाहिए कितने सर? जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर। जांच का विषय है सर, नहीं होनी चाहिए सर, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। उनका मामला बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आनंद विहार में घर में दो व्यक्ति मर्द हालत में पड़े हुए हैं। कुछ सूचने में पुलिस यहाँ पे पहुंची थी, सीन ऑफ क्राइम की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, मैंने भी मौका निरीक्षण किया है। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी के रहने वाले थे जोगिंदर और अरुण, एक 50 साल के आसपास का है और एक 30 साल के आसपास का है। उनकी यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई थी, कुछ शार्प इंजरीज लग रही है।
टीम यहाँ पर भी मौका निरीक्षण कर रही है। साथ में एक लड़का और यहाँ पर रहता है संजय नाम का, उससे भी हम पूछताछ कर रहे हैं। संजय उनका बेटा है? हाँ, संजय जोगिंदर का बेटा। सर जो उन्होंने बयान दिए कुछ संदिग्ध और विरोधाभासी कुछ लग रहे हैं? देखिए अभी ये प्रारंभिक जाँच चल रही है, हम जो भी उन्होंने चीज़ें बताई है उनकी हम पुष्टि कर रहे हैं, उनका सत्यापन कर रहे हैं। साथ में ऐसा भी लग रहा है कि रात में यहाँ पर इन्होंने शराब भी पी है, तो साथ में और कौन व्यक्ति था इसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। आसपास के लोग बता रहे हैं सर भी अनजान लोग काफी ज्यादा आना जाना था लोगों को? ये देखिए ये जानकारी सामने आई है, लेकिन अभी सारी जानकारी प्रारंभिक है, उनका हम सभी का सत्यापन कर रहे हैं। कोई रिश्तेदार आपस में? रिश्तेदार आपस में कोई जो ये जो मृतक है? देखिए जो एक तो जोगेंद्र है जो ये संजय यहाँ पर रहता है उसका पिता है, और दूसरा जो अरुण है वो इसी संजय का मौसी का लड़का है। रिश्तेदार मिला है वो हम अभी सभी छानबीन कर रहे हैं, जो भी सर्च हम कर रहे हैं इस घर की, और जैसे ही सभी जानकारी हमारे पास आ जाएगी हम तो लग रहे हैं सर करनाल पुलिस जल्दी ही मामले का पटपक्ष कर देगी। देखिए हमारी तरफ से हम गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं कि जल्दी से मामले के जो भी आरोपी हैं उन तक पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं वो? देखिए सभी जाँच का हिस्सा है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करना, आसपास के लोगों से पूछताछ करना, जो भी इस मामले से जुड़े हुए हैं उन लोगों से भी तथ्यों की जानकारी जुटाना, वो एक सभी जाँच का हिस्सा है, वो हम पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.